नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में इस समय हम तिगंत प्रबोध की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत से पाठों में हमने तत्पद प्रकरणों के अनुसार जो अध्ययन किया है, उसी क्रम में पूर्व पाठ में जिन धातुओं का अध्ययन किया था, उसी के आगे हमें धातु प्राप्त होती है पुई पवने। पवन का तात्पर्य है पवित्रीकरण, या दो वस्तुएं द्रव्य और अपद्रव्य के रूप में जहां मिलित हैं, वहां अपद्रव्य का निष्कासन और द्रव्य का ग्रहण, ये भी आपका पवन अर्थ में माना जाता है। और शना का विकरण है, सूत्र है आपका पदि नाम ह्रस्व, जो पूई पवने था तो जो दीर्घ उकार है उसको ह्रस्व का विधान करते हैं। शेष प्रक्रिया पूर्ववत है पुनाति, पुनीते आत्मने पद का रूप है, इल लघोह का विधान करेंगे। पविता रूप है, इससे स्पष्ट हो गया एक प्रयोग दिखा देने से कि यह धातु आपकी सेठ धातु है। अन्न इट का आगम होगा अन्य जगह, और उसी के अनुसार हम शेष रूपों की कल्पना कर लेंगे। तदनंतर लुई छेदने ये धातु आती है, ये भी आपकी उभय पदी धातु है, क्योंकि यहां पर इत है, स्वर्तिता कर्तव्य क्रिया फले का स्मरण करेंगे। तो इस तरह से लुनाति ये भी प्रयोग बनेगा, और आत्मने पद में लुनीते ये भी आपका प्रयोग बनेगा। शेष प्रक्रिया पूर्ववत है, जा बयो हानव, बय अवस्था, उसकी जहाँ पर हानि होती है उसे हम जा धातु का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। यहाँ संसारण की व्यवस्था है, और हलह सूत्र से संसारण तदंतंग को दीर्घ का विधान होता है, इसलिए परंतु पादि नाम ह्रस्व करके ह्रस्व का विधान हो जाने से यहाँ जो रूप प्राप्त होता है वो ह्रस्व की ही व्यवस्था में प्राप्त होता है, और जहाँ सित प्रत्यय पड़े नहीं हैं वहाँ दीर्घ की व्यवस्था में आपको हम रूप का उपलब्धिकरण कराएंगे। जिनात ये प्रयोग है, जा धातु है, लट का लट के स्थान पर तिप, और तिप को साधातु संज्ञा, तदनंतर सब की प्राप्ति दिखा करके, और क्रादिभ्य स्ना, स्नाभिकरण हो जाने से अनुबंध लोप, और संप्रसारण फिर दीर्घ, और क्वादि नाम ह्रस्व से ह्रस्व का विधान करके जिनाति ऐसा प्रयोग देखते हैं। फिर हम लिट लकार का जब प्रयोग स्मरण करते हैं तो जिज्यु ऐसा प्रयोग बनता है, सामान्य रूप है जिज्युतुहु जिज्युहु इत्यादि के रूप में हम इसे देख सकते हैं। पुनः कुष्ठ का है निष्कर्ष जो है, कुष्णाति निष्कर्षम प्राप्त होती, कोशिता लुट लकार का प्रयोग है। पुनः सूत्र है आपका निरह कुशह, तात्पर्य है निर ये उपसर्ग है, इससे परे जहाँ कुश धातु है और इसे बलादि यार धातु को इट का आगम क्या होता है, विकल्प से होता है। निष्कोशिता निष्कोष्टा, इट पक्ष में कोशिता रूप, इट के अभाव में कोष्टा इस प्रकार का रूप बनेगा। शेष क्या है नरकुच्छत इत्यादि प्रयोग बनेंगे आपके। ग्रह उपादाने, उपादान का तात्पर्य है किसी वस्तु को स्वीकार करना, ये क्या है उपादान के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर भी गृहज्ञा वैविध करके शमशान हो जाएगा, तो जब शमशान कर देंगे तो ग्रण शमशान के रूप में शमशान का परिचय प्राप्त है, तो रेफ के स्थान पर री का विधान कर देंगे, तो गृही गृण ऐसा गृहाति, तो अकार के स्थान पर इत्तु का विधान कर देंगे, गृहीते ऐसा रूप आपका संपन्न होना है। लिट में दीर्घ नहीं होता है, क्योंकि इस धातु में गृह धातु को लिट के भिन्न जहाँ जहाँ इट है उसको हम दीर्घ का विधान करते हैं, इसलिए गृहीता ये रूप आपका बनता है, और जहाँ लिट है वहाँ पर दीर्घ का विधान हम नहीं करेंगे, ये विचार करना है। और जहाँ पर वृद्धि की प्राप्ति है तो नियम है हकारांत मकारांत यकारांत जो धातु हैं, न है मयंत इत्यादि जो सूत्र है उससे वृद्धि का निषेध हो जाता है, इसलिए अग्रहीष्ट
ऐसा प्रयोजन अग्रहिष्टाम अग्रहित यही रूप बनेगा, यहाँ बुद्धि का विधान आपको प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार पर हम देखते हैं चुरस्ते, यहाँ से ये चुरादि गण की धातु है, इस स्वार्थिक प्रत्यय का विधान करता है, निच प्रत्यय है परंतु स्वार्थिक निच प्रत्यय का ही हम विधान करते हैं। सूत्र बड़ा बृहद है और जब आपके सामने स्पष्ट है, ये धातु हैं इनसे चूर्ण चुनादेभ्य अंत में है, इससे आप क्या है कि निच प्रत्यय का विधान स्वार्थिक निच है, इतना ध्यान देना, क्योंकि जहाँ पर किसी प्रत्यय के अर्थ का निर्देश नहीं होता है तो वहाँ एक सामान्य नियम है, अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति, अर्थात जिन प्रत्ययों का स्पष्टतः अर्थ निर्देश नहीं है वो प्रत्यय स्वार्थ में माने जाते हैं। एभ्यो णिच स्यात्, इतना ही अर्थ किया है, अर्थ विशेष का कोई निर्देश नहीं है, इसलिए ये णिच प्रत्यय स्वार्थ में माने जाएंगे। लोग देखते हैं कि यहाँ सनाद्यंता धातवा, क्योंकि नियम है कि शुद्ध धातु से जहाँ प्रत्यय का विधान करते हैं प्रत्यंत धातु जाती है, वो प्रत्यंत धातु को हमें पुनः धातु संज्ञा का विधान करना पड़ता है, क्योंकि एक नियम है, एक सूत्र आपका है कि ना भा भू पू कमि गमि इप्याई वेपाम, ये आपका सूत्र है। इस कारण से इस सूत्र में अणत्व का निषेध किया गया है और इसी में एक वार्तिक का उत्थान किया है, अनंत भादिना उपसंख्यानम, अर्थात इन्हीं धातुओं को अनंतावस्था में भी अणत्व का निषेध हो जाता है। स्पष्ट है कि यदि वही शुद्ध धातु अनंतावस्था में गृहित होती तो फिर पुनः वहाँ पर वार्तिक के अवतरण की आवश्यकता नहीं थी, तो वार्तिक का निर्माण किया, उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि शुद्ध धातु यदि प्रत्यंत हो जाती है तो वहाँ से तत्पुनः धातु संज्ञा की अपेक्षा हमको होती है, वो अपने धातुत्व का परित्याग कर देता है। तो निश्चित सूत्र है चोरेति बनाते हैं, चुर धातु निच प्रत्यय उपधा गुण चोरेति चोरेतः चोरयन्ति, ये आपका प्रयोग बनता है। धातु आपकी उभयपदी होती है तो इसलिए निश्चित सूत्र जाण्यंत है, ऐसी अनंत से धातु से आत्मने पद का विधान होता है कर्तगामी क्रियाफल के रहने पर, इतना ध्यान देना है। इसलिए जब परगामी क्रियाफल है तो चोरेति प्रयोग बनेगा और जब कर्तगामी क्रियाफल है आत्मगामी क्रियाफल है तो चोरयते ऐसा प्रयोग बनेगा। धातु आपकी प्रत्यांत हो गई तो प्रत्यांत हो जाने का लाभ चोरयामास चोरयाम बहु इत्यादि के रूप में आपके रूप प्राप्त हो जाएंगे, चोरयान चकार ये भी रूप आपको प्राप्त हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर चोरयिता ये रूप है आपका लुट लकार का, चोरियात ये भी है आपका रूप, और चोरयशिष्ट ये भी रूप, अचुचुरत ये क्या है कि लुंग लकार का प्रयोग है, सामान्यतः इसकी प्रक्रिया पर हम ध्यान देते हैं कि चुर धातु लुंग लकार, और निच प्रत्यय से क्या है कि अनिशी दुस्सुभ्य कर्तल चंग, चिड़ी के स्थान पर चंग का विधान कर देंगे, चंग से दुत्तु का विधान हो जाएगा, सन्नत भाव और दीर्घ का विधान करके अचुचुरत ऐसा आपका रूप बनता है। और वास्तव अंतिम जो प्रयोग है दूसरा प्रयोग, इसमें इतना ही अंतर है कि पूर्व प्रयोग आपका प्रश्न पद का, क्योंकि तकार हलंत है, तस्कार का लोप हुआ है, और जो अंतिम वाक्य है आपका पद है उस पद में तकार संपूर्ण दिखाई पड़ता है, इसलिए वो आत्मने पद का है, इसी से हम आत्मने पद और प्रश्न पद के रूपों का भी आस्वादन कर सकते हैं। पीड़ धातु का अवगाहन अर्थ, पीड़यति अवगाहयति इत्यर्थ, यहाँ पर क्या है कि उभ्रस्व होता है उपधा को चंग परिणिच की, यद्यपि सन्नता का भी सन्नत भाव है और दीर्घो लघु की विषयता है तो पूर्व में तो दीर्घ का विधान रहेगा लेकिन जो उत्तर खंड है वहाँ पर हम ह्रस्व का विधान कर देंगे, अपि पीड़त ऐसा रूप बनाते हैं। पृथ का अर्थ क्षेपण, यहाँ पर गुणादि करके पर्थयति सब प्रयोग बनाते हैं, उर्वित का स्मरण करेंगे, उपधा के स्थान जो रिवर्ण है उसके स्थान पर इतभाव कर देते हैं, तो अपि पृथत इत्यादि अपर्थत दोनों रूप बनते हैं, और कुछ लोग पृथ ऐसा न मान करके पथ इस प्रकार का रूप स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामान्य जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में लुंग लकार के प्रयोगों में थोड़ा से अनंत में जो विशिष्ट ध्यान देने लायक है, चिली और चिली के स्थान पर यहाँ अन्य प्रक्रियाओं को चंग, चंग को दुत्त विधान, और सन्नत भाव के बाद जैसा थोड़ा से कहीं कहीं पर इत्तु का विधान, फिर इत्तु के बाद दीर्घ का विधान, इस सामान्य प्रक्रिया लुंग लकार में यहाँ अनंत में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम अन्य प्रयोगों का भी अध्ययन कर सकते हैं, और इस पाठ पर इतना ही करते हुए धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।